तो हेलो गाइस वेलकम बैक। मेरे लिए तो कुछ नहीं लिया आपने। ये सबसे एक्चुअली सबसे गलत बात है, जितने भी जो प्रिंटर्स होते हैं, जो छापने वाले होते हैं ना, इसको यहाँ पर स्कीम दी है, यहाँ पर लैंग्वेज में समझ गया तो कहीं अपन दुनिया को लेके आते हैं। हमारे जो हम लोग फर्स्ट टाइम मुंबई में आए थे ना, ये हमारे साथ कैसे आया यार, बहुत सताया तुमने जो लाया भी है। लेकिन हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिवाली का ब्लॉग जरूर आएगा भाई। मम्मा की भाषा। फाइनली आज हम साथ में एक साथ दिख रहे हैं आप लोगों को, काफी टाइम के बाद दोनों को छोड़ती नहीं है, खासकर अपने बाबा को। तो अभी हम लोग अपने फोन से वीडियो बना लो ना, मेरा फोन क्यों भाग रही हूँ अब तो तुम्हारे पास। उसके लिए मैं अपना वीडियो बनाऊंगी ना, वो भी आएगा कल, मतलब डेली व्लॉगिंग के हिसाब से। हाय यू, हाय, कैसे हो? आई एम फाइन। करो ना तुम लोग, बिजी तो दिखा रहा हूँ वो चीज। मैं एक्टिव हो जाऊंगा, मैं दिवाली से एक्टिव हो जाऊंगा। थोड़ा सा मेरा फेस डल लग रहा है क्योंकि मैं पिछले 4 दिन से आई वाज आउट ऑफ जोन, आई वाज नॉट इन माय सेंसेस। वो मैं आपको बताऊंगी क्यों बाद में। चलो गाड़ी आ गई, चलो ठीक है। ज्यादा बोर ना करती हूँ, आपको तो पता है हमेशा की तरह हम लोग दिवाली बहुत अच्छे से लगता है कि हम लोग बोर कर रहे हैं, लेकिन अपन बोर नहीं करते। अभी हम लोग एक और सरप्राइज देने वाले हैं आपको थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि हम घर शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे सर को बहुत बोर हो रहा है, क्योंकि नीचे एकदम प्राइम लोकेशन है ना, तो हम जैसे लोगों को जमता नहीं, हमें चाहिए एकदम इंजॉयमेंट पार्टी। अभी हम लोग ना घर शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा डेकोरेट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा सामान लेने जा रहे हैं जो लगेगा दिवाली के लिए, लाइट्स वगैरह और क्या पटाखे। पटाखे तो अभी नहीं, मेरा प्रेफरेंस तो यही है, मैं हर बार बोलता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने पिछली बार थोड़े बहुत बम फोड़ी दिए थे। मैं एक्चुअली बोलता हूँ कि देखो, बोलना तो नहीं चाहिए, दिवाली का फेस्टिवल है, लेकिन हो सके तो ज़्यादा करके इको फ्रेंडली, मतलब जो होती है चीज़ें वही ज़्यादा करके यूज़ करना, क्योंकि ज़्यादा आप करते हो यार। मैं तो फिर भी कोशिश करता हूँ कि कम से कम, अगर लोग 10,000 के, 15,000 के, 20,000 के पटाखे लेते तो मैं तो कम से कम फिर भी 2,000-3,000 में अपना दिल बहला लेता हूँ। 2,000-3,000 लास्ट टाइम कितने हजार के लिए थे? कुछ भी नहीं। So, आज आपको पता है, अपनी वाइफ को कुछ दिलाते भी हैं। दिला दिया मैंने। पहले कहाँ जाना है ये भूत हो गया मैं। पहले कहाँ जाना है ये बताया, किसके लिए करते हो, कैमरा के लिए करते हो? बताओ। पहले काम करते हैं ना, पहले अपन देख लेते हैं। सबसे अहम बात हो रही है, मैंने बोला कि मुझे ना ऐसा नहीं कि दिवाली का व्लॉग डालने के बाद फिर उसके बाद सीधा जा रहे हैं, डाल रहे हैं, कभी कुछ मिल गया फिर बोले न्यू ईयर की पार्टी प्लान, फिर अजमेर का। हम लोग ऐसे करने लगे हैं जैसे वेब सीरीज नहीं आती है, रह रहे के वेब सीरीज प्लेटफॉर्म बना दिया है, रीजन है थोड़े बहुत मूवी आप और जितने भी कमेंट है ना, सारी वीडियोस को एक बार जाके चेक करो, सब लोग खाली एक ही चीज बोल रहे थे, भाई डेली व्लॉगिंग करो। मैं बोलता हूँ डेली तो नहीं, और मैंने 2-3 बार वीडियो में प्रॉमिस किया है। तो गाइस आपको तो हमारी प्रैंक्स वीडियो पसंद है ना, अगर आप सबको प्रैंक्स वीडियो पसंद है तब भी आप कमेंट्स करो, अगर आप डेली वीडियोस डेली हम लोग वो देखना चाहते हो तो भी हम कमेंट देखना चाहेंगे किसके ज्यादा कमेंट्स है, ठीक है? तो फिर हम उस बेस पे वीडियोस बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चल आगे दे देंगे, बोलना मेरा तो कुछ नहीं है, मैं तो कुछ भी डालती रहती हूँ मेरे YouTube चैनल पे, आपको पता है बीइंग शालिनी सूर्यवंशी, आप सर्च कर सकते हैं, इतने बड़े चैनल पे मैं अपना चैनल प्रमोट कर रही हूँ, तो जाके मुझे भी सब्सक्राइब कर लेना वहाँ पे। तो फ्लेक्स करने का अच्छा तरीका, ये फ्लेक्स करना नहीं होता, ये खुद को प्रमोट करना होता है, ठीक है? तो चलो अभी देखो, मुंबई में तो बहुत सारी लाइटें लग गई है, घर में हमारे घर में लगना बाकी है, तो अब डायरेक्ट मिलते हैं पटाखे और लाइट्स वाली शॉप पे। We'll be right back.
तो हम ना लोखंडवाला से और कहाँ कहाँ गए थे हम लोग अभी, लोखंडवाला और कहाँ पे, ओशीवारा। पूरा लोखंडवाला तो घूम लिया, पूरा घूम लिया। इतना ज्यादा क्राउड है कि हम लोग वहाँ जा ही नहीं सकते, तो हमने डिसाइड किया है कि हम लोग एक मार्ट है यहाँ पे वहाँ जाएंगे। तो गाइस सो सॉरी उसके लिए, क्योंकि हम लोग वहाँ पे शूट नहीं कर पाएंगे ज्यादा, बट फिर भी आपको बताएंगे जरूर। अभी घर जाके डेकोरेशन भी करना है। हाँ देरी में, मीटर बोलने बोलना, मीटर 11 मीटर ही हो ना, 12 हो। बीबी आप बोलते होंगे मैं जब जब आपके साथ आती हूँ हमेशा आपका खर्चा करवाती हूँ ना है ना, हम भी तो वैसे ही करेंगे अपन। नहीं खर्चा करवाती हूँ ना मैं वैसे, हम तो सिर्फ दिवाली का सामान लेने आए थे, हमें नहीं पता हमें ऑफर्स में इतना अच्छा अच्छा सामान मिलता है। यहाँ पर स्कीम थी, यहाँ पर लाने के लिए समझ गया था, कभी अपन दुनिया को लेके अपने को ले लेते नीचे का। मेरे लिए तो कुछ नहीं लिया आपने, झूठ बोल दिया एकदम साफ। ये सब कराने के बाद भी बोला कुछ काम नहीं कर रहा था वहाँ, काली थाली पकड़ ली तो मान। अरे बस इतना सही सामान था क्या? पक्का लड़कियों के हमेशा फायदे होते हैं क्योंकि उनको कुछ नहीं उठाना पड़ता है। अभी घर पे जाके ना बहुत सारा काम है, हमें घर भी डेकोरेट करना है और अभी भूख भी लग रही है, कुछ खाना भी है। अंजी फिर क्या हाल फिर? अच्छा इससे मैंने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गाइस, ये मेरा सबसे छोटा भाई है, उसका नाम है अजय सूर्यवंशी, जिसको मैं नेपाल से उठा के लेके आई थी। कहाँ से लेके आई थी बता? दार्जिलिंग। ओ दार्जिलिंग से आई है। बारो बारो क्यों भाई, अरे आराम से, क्या हो गया? लाइट नहीं लेनी है, बारो कहाँ है, कहाँ है? लाइट्स की दुकान पे। भाई बहुत कुछ है हाँ दानिश। बस अब अंकल मेरी तरह नहीं बना पाता, जाना चाट मेरे से अच्छा कोई नहीं बना पाता। नहीं है कि अपने साथ लाइट ही नहीं है, पवन रिस्पेक्ट नहीं करता ना मैं लोगों को। अच्छा बताऊं अभी ये व्हाट इज दिस, ये हीरा का, वाओ मेरा हीरा, हीरा हीरा थैंक यू बावा, दे थैंक यू डैनी, बोल थैंक यू बावा। तो मेहनत इतनी जा रही है, इतनी जा रही है, इतनी जा रही है, क्या गाइस ये देख सकते हैं आप, फिलहाल काफी सारा काम बाकी है। मैं आपको बता दूं, देखो मैं कल से कुछ ज्यादा बात नहीं कर पा रहा था क्योंकि आई वाज नॉट फीलिंग वेल, मेरे को सर्दी थी दो या तीन दिन से। तो अभी काफी सारा काम बाकी है, डेकोरेशन का बहुत सारा काम बाकी है, आज सेकेंड है। कल हम लोगों ने थोड़ी जितनी भी शॉपिंग थी कर ली थी, थोड़ी सी डीमार्ट से, थोड़ी सी बाहर से, ये दिए वगैरह सब कुछ आ गए। तो बस अभी जल्दी जल्दी करके हम लोग को पूरा सारा सेटअप करना है, और अभी फ़िलहाल मैं पूरा सेटअप करने वाला हूँ इस वाले विंडो में। और कल रात में सिर्फ की लाइट्स लगी थी, विशाली ने आपको पहले दिखा दी होगी, और ये थोड़ा बहुत यहाँ से हुआ है और काफ़ी सारा बाकी है अभी। तो चलो चलते हैं, विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए पूरा काम ख़त्म करते हैं। तो हम लोग आज आए थे, आज दिवाली का शाम है, तो हम लोग आए थे एक रील शूट करने के लिए, तो बस देखते हैं अभी क्या सिनेरियो है रील का।
और ये था मेरा सरप्राइज, जो कि इसका वीडियो भी आने वाला है। हमेशा की तरह मेरा मूड तो खराब हो गया दिवाली पे, अब क्या करना है बाप बताओ। क्या सही है ये बताओ जरा, अब जाएंगे कहाँ बाहर? चलेंगे थोड़ा कहीं आउट आउट मारेंगे यार, घर पे भी कितना रहेंगे बेटा। हालांकि माना कर लो तुमने एकदम अच्छा डेकोरेट किया है माशाल्लाह, लेकिन बट फिर भी चलते थोड़ा सा बाहर यार, प्लीज यार चलते ना, बड़ा मजा आएगा यार। बाहर की वाइब तुमने देखी तो नहीं, तभी तो मैं बार बार कर रहा हूँ जब से मैं देख के आया हूँ। क्या क्या चाहिए तुम लोग आजे अजर अजर तेरे को क्या क्या चाहिए? आलू अभी क्या आलू आलू कुछ बोल रहा भाई? ये सबसे एक्चुअली सबसे गलत बात है, जितने भी जो प्रिंटर्स होते हैं जो छापने वाले होते हैं ना, उन लोगों को सब करना चाहिए, लेकिन ये चीज़ नहीं करना चाहिए। अब पब्लिक इसको यूज़ करके फेंक देगी, कॉमनली फेंक देगी, बहुत एकदम आसानी से सब यूज़ करेंगे उसके बाद फेंक देंगे, तो दिस शुड हैज बीन यू नो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए यार। जितने भी लोग हैं थोड़ा दिमाग पर अपना जोर डालो एंड ट्राई डू नॉट डू दिस। यहाँ तक ठीक है, नाम आपने यूज़ किया दैट इज़ ओके, बट दिस वेरी बैड। इसको बोलते थे चक्री बम। चक्री नहीं है, चकली बोलते हैं इसको। चकली ना, चकली नहीं बोलते। अच्छा सर, इसको बोलते हैं इसको अनार। अनार को क्या बोलते हैं? इसको चॉकलेट बम। यार पटाके वटाके दो अर्शी, थोड़ा पटाके वटाके दो, बड़ा वाला पटाका चाहिए। हाय सोया, इसको भी दो यार। अरे अजू इधर आ, कैमरा दो। ये हमारे जो हम लोग फर्स्ट टाइम मुंबई में आए थे ना, ये हमारे साथ रहती थी आंटी, हमारा बहुत ख्याल रखती थी। आज मिले हैं 4 साल के बाद, 4-5 साल के बाद, 3 साल हो गए, 3 साल Thank you.
जो साइडेड भाई तो आपने देख ही लिया आज सेकंड डे सबसे कुछ देर के बाद ही बस व्लॉग हमारा एडिटर एडिट कर देगा एडिटर को लगता था ना ये काफी टाइम ये एडिटर को रिश्वत दी जा रही है ताकि एडिट अच्छा हो बहुत तगड़ी रिश्वत है सेम कर दे रहे सारा क्या बात है पेट पूजा फिर काम दूजा कैसी हो क्या खा रहे हो चाचा दिख रहे ये मेरे फूफे चाचा के मासी के ताया के जो चाचा थे ना ये चाहिए था मुझे ये हमारे रिश्तेदार बाकी तुम्हारे पीछे ना ड्राइंग आ रही है एक बहुत अच्छी वाली हीरा नहीं करी हुई हीरा बचपन से आर्टिस्ट नाम पता है तुमको क्या है करीमुद्दीन फरहान चाचा बस देखा इनका नाम है करीमुद्दीन फरहान चाचा कुछ भी अबे भाई केएफसी का फुल फॉर्म ये करीमुद्दीन फरहान चाचा क्या करीमुद्दीन फरहान चाचा कैसे होना है कैसे मतलब मुझे सिर्फ खाने में जाना